सब्सक्राइब कीजिए अपने इस चैनल को और दबाइए इस घंटे को। वैलिडिटी ले लो, वैलिडिटी एयरटेल की, जियो की, वोडा की, डोकोमो की, अरे भैया आइडिया की, सबकी ले लो भैया, वैलिडिटी ले लो, नहीं तो आपका जो भी सिम है वो बंद हो जाएगा। कैसे, यही चीज हम आपको बताने वाले इस वीडियो में। तो दोस्तों आपने ठीक ही सुना, सारी टेलीकॉम कंपनियां ने मिल करके आपके फोन की जो वैलिडिटी थी, जो आपकी सिम की वैलिडिटी थी वो घटा दिया है। जैसे कि पहले आप लोग देखा करते थे कि आपके जो भी वैलिडिटी होती थी सिम की, आपकी 2030, 2037, 2040 ऐसे आपको दिखा रहा था पहले आपके फोन के सिम कार्ड में, चाहे वो कोई सा भी सिम हो, आपकी वैलिडिटी मतलब लाइफ टाइम की दी जाती थी। और आपको कभी वैलिडिटी तक पहुंचते थे तो आपको सिर्फ 1 रुपए का रिचार्ज करवाना होता था और आपकी वैलिडिटी बढ़ जाती थी 20 से 30 साल ज़्यादा। अगर आपका भी सिम का जो वैलिडिटी है कम हो गया है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होंगे। दोस्तों मैं हूँ फरोज रब्बानी और आप देख रहे हैं टेक्निकल रब्बानी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं कि क्यों आखिर ये टेलीकॉम कंपनियों ने वैलिडिटी को घटा करके सिर्फ 1 महीना ही रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई सा भी आप अगर सिम यूज कर रहे हो, जियो को छोड़ के सभी सिम में आपको वैलिडिटी नजर आ रही होगी, जो कि आपको सिर्फ 1 महीने की वैलिडिटी दिखाई जा रही। तो जिसमें ये बोला गया है कंपनी के द्वारा कि आपके जो उस डेट तक आपका जब सिम है तो आपका जो आउटगोइंग कॉल है, चाहे आपके फोन में 10 रुपये हो, 10,000 हो, चाहे कितने भी हो, आपका फोन नहीं लगेगा। यानी जो आपके बैलेंस है वो वेस्ट है जब तक आपके फोन में वैलिडिटी नहीं होगी। जितने भी रिचार्जेस थे, जो पहले के 10, 20, 30, 40, 50 के रिचार्ज होते थे, अभी उनको बंद करके यहाँ पे एक नया प्लान इन्होंने लाया है। सभी कंपनी का सेम ही है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे है। बस यहाँ पे बता दूं कि सबसे छोटा जो रिचार्ज है वो 10 का है, उसके बाद सीधे 35 पे जाके स्टार्ट होता है। यानी कोई भी रिचार्ज आप करवाएंगे तो 35, 45, 55, 65, 95, यानी इस तरह के रिचार्ज होंगे। यानी कि जो भी आप रिचार्ज करवाते थे पहले, उस तरह से कोई भी रिचार्ज उपलब्ध नहीं है। और जितने भी आप सोचते थे कि पहले मैं एक वाउचर ले लेता था और उसके बाद मैं उसे स्क्रैच करके भर लेता था फ़ोन में, तो वो भी बंद हो गया है। जी हाँ, वो भी बंद कर देगा। आप जो भी रिचार्ज करवाना होगा, आपको ऑनलाइन कराना है, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर से कराएं, चाहे आप किसी दुकान पे जाके कराएं, तो आपको वहां से ऑनलाइन ही रिचार्ज करने को मिलेगा। यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो भी टेलीकॉम कंपनी है आपको प्रोवाइड कर रही है, कि अगर आप केवल वैलिडिटी लेना चाहते हैं तो 23 रुपये और ऐसे कुछ, मतलब सभी टेलीकॉम कंपनी के 1-2 रुपये ऊपर नीचे है, और सभी में आपको वैलिडिटी दी जाएगी 1 महीने के लिए, जिसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको मतलब ये सोचना है कि मैं 23 रुपये दे रहा हूँ हर महीने, तो आपका वेस्ट है केवल वैलिडिटी के लिए। अगर आपके फ़ोन में वैलिडिटी नहीं है, आपके फ़ोन में 5 रुपये हो, 10 रुपये हो, 10,000 हो, तो आप एक फोन आपको फोन आप फोन नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आपके फोन में पैसे तो है, वैलिडिटी नहीं है, तो आप फोन नहीं कर सकते। यानी आपका अपना पैसा खुद ही आप यूज नहीं कर पाएंगे किसी के फोन करने के लिए। तो ये बताओ, इन लोगों ने लोगों से पैसे हटने के लिए कि चलो किसी भी तरह से हमें पैसा जो हमारा जो लॉस हो रहा है उसे कैसे हम लॉस को कम करें और लोगों से पैसे निकलवा पाए, तो इन लोगों ने क्या किया कि सारे प्लान को चेंज कर दिया और वैलिडिटी लगाई, इसलिए कि आप रिचार्ज करवाएं और 1 महीने की वैलिडिटी खरीदें। तो मैं आपको बता दूंगा इसमें कि आपको क्या करना होगा। जैसे कि कंपनी आपको लूटना चाह रही है, तो आप क्या कीजिए, आप वैलिडिटी पैक ना डलवा के आप भी क्या कीजिए, कोई बड़ा प्लान लीजिए। जैसे कि 95 रुपये में आपको 95 रुपये आपको मिल जाएंगे और साथ में आपको 1 महीने के लिए 30 पैसे और कॉल आपको मिल जाएंगे पूरे 28 दिन के लिए। तो ये आपको अपने अपने हिसाब से प्लान ले लेना। कुछ कुछ प्लान ऐसे जिसमें आपको अनलिमिटेड मिलता है, जैसे कि 399, 400, जो भी आप डेटा डलवाते हैं उसके साथ आपको वैलिडिटी भी मिलती है और आपको डेटा मिल जाता है, अनलिमिटेड कॉल मिल जाता है। तो आपको बड़ा रिचार्ज करवाना पड़ेगा। पहले क्या है कि आप 10 रुपये डला लेते थे और कोई आपका रिचार्ज करवा लेता था, बोलते थे भैया हमारे रिचार्ज हो गया है, कोई रिचार्ज मत करवाना, हम सब जगह फ़ोन लगा के बात कर लेंगे। तो आपकी जो भी सोच है ना वो गलत हो गई, क्योंकि आपके फ़ोन में बैलेंस होते हुए भी आप इधर से फ़ोन नहीं कर सकते। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपका जो भी आउटगोइंग कॉल है वो 1 महीने के बाद बंद हो जाएगा। मान लीजिए आज हमने रिचार्ज करवाया तो 1 महीने के बाद हमारा आउटगोइंग कॉल बंद हो जाएगा, चाहे हमारे फ़ोन में बैलेंस हो
ना हो, वो अलग बात है। उसके बाद अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते तो आपका इनकमिंग भी बंद हो जाएगा। जी हाँ, आपका इनकमिंग भी बंद हो जाएगा एक महीने के अंदर या एक महीने के बाद। यानी आपने अगर लगातार 3 महीने तक रिचार्ज नहीं करवाया तो आपको सिम भी बंद हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपका सिम भी बंद हो जाएगा क्योंकि उससे कंपनी का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए कंपनी सोच रही है कि लोगों को पैसा कैसे निकलवाया जाए, इसकी वजह से इन लोगों ने ये प्लान लगाया। तो दोस्तों बस आपको ये करना है कि आप अपने फ़ोन से पोर्ट लिख के कंपनी को मैसेज भेजिए और बोलिए कि हम भैया जियो में चले जाएंगे, हमको वैलिडिटी दो। तो वो बोलेंगे भैया ठीक है, हमसे वैलिडिटी ले लो लेकिन इसी में बने रहो, ठीक है। तो 1 रुपये खर्चा होगा, क्या कर रहा है, आपको एक मैसेज भेज देना। अगर वैलिडिटी मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर आपको एयरटेल वोडाफोन आइडिया से प्यार है तो आप बने रहिए और आप जो भी रिचार्ज करवाते थे कराते रहिए। अगर आप कोई रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो आपको एक स्मार्टफोन ले लेना चाहिए और जियो लगा लेना चाहिए, क्योंकि जियो तो छोटे फ़ोन में चल रहा ही नहीं है। तो इसलिए आपको छोटे फ़ोन में चलाना है तो पैसे डलवाना पड़ेगा भाई। तो बस यही थी आज की जानकारी, और आपको मैंने बता दिया इसका सल्यूशन भी और कंपनी ने किस तरह से अपने अपने जो भी प्रोडक्ट ने लॉन्च करिए और आपका इनकमिंग आउटगोइंग कॉलिंग बंद करने के पीछे क्या इनका कारण था। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नेटवर्क आप यूज करते ही हैं, इसलिए सोचा कि हमारा नेटवर्क तो खर्चा हो ही रहा है, साथ में जो लोग हैं वो हमें पैसे भी नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने वैलिडिटी लाया। तो चलो कोई बात नहीं, जियो जिंदाबाद है और रहेगा, आगे देखते हैं जियो भी क्या करता है। अभी तक तो ठीक ही था, आगे सब मिली भगत है, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी डाउट जो है वो क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो में वैलिडिटी से रिलेटेड। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और हाँ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।